मैं डॉक्टर अब्दुल गनी हूँ, सिविल असिस्टेंट सर्जन MBBS MD ऑफ्थल्मोलॉजी, UPSC पानीपुरा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, रेगुलर डॉक्टर हूँ। और हमारा पॉपुलेशन 58,000 है, उसमें से ज़ियागुड़ा बहुत अहम जोन है हमारा। तो इसमें जैसा बताया गया कि अभी केसेस बहुत कम आ रहे हैं और काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन। हाउस टू हाउस सर्वेज हमारे पूरा स्टाफ है, ANMs है और आशा वर्कर्स है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनको पूरा पर्सनल प्रोटेक्शन PPE किट्स के साथ जाकर वो लोग एक एक पेशेंट, एक एक हाउस मेंबर का जो वाइटल्स है यानी टेम्परेचर है और कुछ सिम्टम्स है या BP शुगर वगैरह, वैसे हाई एंड मेडिसिन भी उनको घर तक ले जाके पहुंचा रहे हैं। और फिर जिसको सिम्टम्स है उनको अपने रिकॉर्ड बुक में नोट करके फिर डॉक्टर से स्पेशल उनका केयर या कुछ मेडिसिन है या इन्वेस्टिगेशन है वो करवा रहे हैं। या किसी को अगर सांस फूलने की शिकायत है, ज़्यादा बहुत फीवर है और कोरोना के सिम्टम्स वाकई उनके अंदर पाए जा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्वारंटाइन सेंटर भिजाकर उनको इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। फिर अगर खुदा नखास्ता उनको पॉजिटिव आ गया तो फिर गांधी हॉस्पिटल में उनका केयर लिया जा रहा, और बाकी जो घर में रहने वाले हैं उनको होम क्वारंटाइन करके यानी घर के अंदर 14-21 दिन घर के माहौल के अंदर उनको नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन बाहर से कोई आना नहीं है, ये बाहर जाना नहीं है, और जो उनकी ज़रूरियात है घर के दायरे में पूरी हो। इस एतबार से मेहनत हो रही, कोशिश हो रही सारे डिपार्टमेंट को लेकर, GHMC के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सारे लोग इसको अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर आइंदा जो बैड नेम आया है वो फिर से वापस जो है, जैसा इसका एक तारीख रही है वो एतबार से इसके नाम को वापस लेकर आना है, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात तदबीर करना ज़रूरी है। जैसा मस्जिद के अंदर भी जो है, मंदिर के अंदर भी थोड़ा दूर दूर रहना है, और फिर हाथ को और चेहरे को खूब धोना है, और फिर सैनिटाइज़र और मास्क को कंपलसरी इस्तेमाल करना है, और फिर जिनको अगर छींक और खांसी आ रही है तो कपड़े से कम अपने उसको ढांप ले चेहरे को, ताकि ऐसा दूसरों तक ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलने की बीमारी है, मैक्सिमम इससे कंट्रोल हो। टोटल जियागुड़ा और कारवान में कितने डेथ है और उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है? जितने डेथ्स हमारी नोटिस में है, जैसा सर बताए, 7-8 है, और वो सिंगल डिजिट ही है, और उनके अंदर वो मॉर्बिड फैक्टर्स ज़्यादा है, यानी उनको पहले से एडवांस्ड एज है, सीनियर सिटीजन्स है, 70+, 80+, सम आर हैविंग अस्थमा, सम आर हैविंग डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, और बस जो मैलिग्नेंसी पेशेंट, कैंसर पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स तो हमारी नोटिस में, यशोदा भाई अपने इलाके बेड रिडन पेशेंट थे कई दिन से, उनको हम भेजे, टेस्ट कराए, वो पॉजिटिव आया, और उसके बाद जो है वो और उनके कोर मॉर्बिड फैक्टर्स की वजह से डेथ भी उनकी। ऐसे केसेस इक्का दुक्का है, लेकिन नॉर्मली जो आम पॉपुलेशन है उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छा है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, और फिर घर को वापस लौट के आ रहे हैं। 40+ केसेस जो है नेगेटिव आ गए, उम्मीद है कि जो 30 के आगे जो केसेस है वो भी जल्द से नेगेटिव आ जाएंगे, और फिर फ्रेश एक 3-4 दिन में हमको ज़्यादा केसेस नहीं आए, इक्का दुक्का केसेस जियागुड़ा से आ रहे हैं। टोटल आज जियागुड़ा कोरोना के डिसीज़ के ताल्लुका से आज हम सभी डिपार्टमेंट को रिव्यू मीटिंग का आह्वान करके आज हम केसरी हनुमान जियागुड़ा के डिवीज़न में हम एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग बुला दिया, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, कोरोना के इंचार्ज केसेस के ताल्लुका से, और अंबाजी जो हमारे सब डॉक्टर्स हैं जो घर घर को जाके जो कोरोना के ताल्लुकात का जो पूरा डिटेल रिपोर्ट लाने वाले, और साथ ही साथ हमारे मधु जो कंटेनमेंट जोन जो सेट करते, और उनके पास पूरा डेटा है, जितने भी पॉजिटिव केसेस है और नेगेटिव केसेस है उन्होंने अभी इससे पहले ही उन्होंने डिटेल रिपोर्ट दिया गया। और मैं सबसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग आज हैदराबाद में कोरोना जो वायरस के ताल्लुक से तरह तरह के अफवाहें जो हैदराबाद में उड़ा रहे, जियागुड़े में बहुत सारा कोरोना का वायरस अटैक्ट हुआ बोल के, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हमें अभी बताया कि टोटली आज तक 72 पॉजिटिव केसेस आए और 40 तक आज तक रिटर्न बैग वो नेगेटिव में आए, और इंशाल्लाह ताला आगे भी 2-4 दिन के अंदर भी हम काबू पाएंगे। हम काबू पाने का यही चाहे हमारा जो टीम वर्क है, जो हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे आशा वर्कर्स है, हमारे GHMC डिपार्टमेंट है, ये सब लोग मिलके हम लोग जहाँ पर भी
जो कोई भी घर में अगर पॉजिटिव का कोई भी अगर हमारे को नज़रअंदाज आया तो हम इमीडिएटली वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। हमारी टीम उनको मेडिसिन दे के वहीं काउंटम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम दूसरे अस्पताल को रेफ़र करके वहाँ से उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अब एक डॉक्टर साहब इससे पहले बोले कि अब तक बहुत सारा पॉजिटिव बढ़े थे, अब हल्का हल्का धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इंशाल्लाह ताला आगे भी हमारा जो जियागुड़े में जो बड़ा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव का रूप धारण करते रिटर्न आ रहा, मैं अल्लाह चाहे से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से आगे भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव रूप में आके कम होएगा। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, ये कोरोना के वायरस से कोई डरने की बात नहीं, जिससे हमारे पास जो स्टाफ है वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वायरस डेवलप नहीं हो सा पूरा गोलियों के साथ टैबलेटों के साथ, और हमारी हुकूमत भी इमीडिएटली जहाँ तक भी अगर कोई भी पॉजिटिव दिया तो उसको इमीडिएटली टेकअप कर रहे। बहुत सारे जो भी यहाँ पर गुजरे हैं वो तरह तरह के बीमारियों का शिकार होने से ही जो गुजरे हैं, लेकिन डायरेक्ट कोरोना से कोई लोग जियागुड़े में नहीं मरे। केवल अस्थमा और हार्ट अटैक कई बीमारियों का शिकार थे, उसमें वायरस भी थोड़ा बहुत इंट्रैक्ट होने की वजह से ये 6 से लेकर 10 तक हमारे जियागुड़े में गुजरे। ये हम पूरी कोशिश है कि हम कोरोना वायरस और मलेरिया का भी अभी अभी जो हम लोग कैंप स्टार्ट करें, ये भी जो बरसात में हमारा और एक दुश्मन जो है जो हमारा डेंगू और मलेरिया, ये भी बहुत बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। हम इसके ऊपर भी ध्यान लेते हुए हमारी टीम जो जो भी फागिंग करना या मलेरिया के किस तरह हम ये जो मच्छरों को नहीं बढ़ते हुए हम प्रिकॉशन ले रहे, ये पूरा मिला के हम कोरोना को और मलेरिया को पूरा रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करते हुए नदी में डोम के द्वारा भी मच्छरों का हद करने के लिए हम प्रयास करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले समय में जियागुड़े का जो पूरा वैभव है, जो पूरा नाम था, वो ज़रूर हम लोग लेकर आएंगे। आवाम को कोई डरने की बात नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई डेंजर नहीं है। अगर कुछ होया तो भी डॉक्टर इमीडिएटली हम लोग घर के पहुंचेंगे और जो जो भी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे जितना जल्द से जल्द उनको नेगेटिव का रूप धारण करके लेकर आएंगे। जियागुड़े में कोई आवाम डरने का नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंस को मास्क को धारा ये करना, अगर घर को गए बाद हाथ पैर धो लेना, ये जो सिस्टम्स है जो कोरोना का जो निवारण करने का जो डॉक्टर का जो सजेशन है उसको मानते हुए ज़्यादा शादियों में हो, मेज़बानियों में हो या मंदिर हो मस्जिद हो, ज़्यादा लोग जाके प्रेयर हो, प्रार्थना हो, पूजा पाठ नहीं करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करो। थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके अपना प्रार्थना करिए, अगर नमाज पढ़िए, लेकिन ग्रुप जाए तो इससे थोड़ा बहुत डेंजर होने का सिचुएशन है। लिहाजा मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, लेकिन लॉकडाउन को मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंस को मेनते हुए आप लोग अपना कार्यक्रम करना बोल के फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करते हुए फिर बात सबको शुभकामना देते हुए इंशाल्लाह ताला आगे जियागुड़ा फिर एक पुराना रूप धारण करके आएंगे।